हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका भाई चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मजेदार सी, चटपटी सी, कुरकुरी सी, करारी सी नई रेसिपी, जिसे आप एक बार बनाएंगे तो इसके दीवाने हो जाएंगे। और इसे आप बनाएंगे बिना बेसन, बिना सूजी के। तो फ्रेंड, जब भी आपका सब्जी रोटी बनाने का दिल ना करे और आप सब्जी रोटी खा खा के बोर हो चुके, तो एक बार इस रेसिपी को बनाइए और टेंशन फ्री हो जाइए। आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में और पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ही ज्यादा टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी चीजों से बनती है, तो बहुत ही ज्यादा हेल्दी है और दूसरी बात कम टाइम में बन जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है, सब्जियों के राजा आलू। जो मैंने सिर्फ एक आलू लिया है, वो भी मीडियम साइज का। अगर आप इस रेसिपी में आलू डालेंगे तो काफी अच्छा फ्लेवर आएगा और काफी कुरकुरा बनेगा। तो फ्रेंड, अगर आप आलू नहीं डालना चाहते तो आप आलू को हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे एक आलू को हम फटाफट छील लेंगे। अगर आपका बहुत ज्यादा छोटा है तो आप दो आलू ले सकते हैं, वेट नहीं, मुश्किल से 20 ग्राम का आलू है। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए आलू को मैंने छील लिया। छीलने के बाद 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश कर दिया। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको 4 भाग में डिवाइड कर लेंगे और अब इस तरीके से हम इसको क्यूब्स पे कट कर लेंगे। तो बहुत ज्यादा मोटा नहीं रखना है और बहुत ज्यादा हमें इसको पतला भी नहीं कट करना है, इस तरीके से मीडियम करना है। तो ये देखिए आलू हमारा अच्छे से कट गया है। अब आलू को हम 2 से 3 बारी अच्छे से वॉश करेंगे, ताकि जो इसका स्टार्च है वो निकल जाए। अगर आप स्टार्च नहीं निकालेंगे तो नाश्ता कभी भी कुरकुरा और क्रिस्पी नहीं बने रहेगा लंबे समय तक। अगर आपको तुरंत का तुरंत खाना है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसका स्टार्च निकाल देंगे तो आप इसे स्टोर करेंगे, तब भी ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होगा और लंबे समय तक कुरकुरा और क्रिस्पी रहेगा। तो चलिए इसको वॉश कर लेते हैं, फिर आगे आपसे मिलते हैं। फ्रेंड, यहाँ पे देखिए 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश कर दिया है। अब हम सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार लेंगे, उसके अंदर अपने आलू को ट्रांसफर करेंगे। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज के प्याज, जिसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। अगर आप प्याज नहीं खाते तो हटा सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 ग्रीन चिली। अगर आप लोग ज्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो आप सिर्फ एक डालना। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं और आपका बच्चा बहुत ज्यादा छोटा है तो आप इसको हटा भी सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 3 कलियां लहसुन की, क्योंकि मेरी मोटी मोटी है। अगर आपकी छोटी और पतली तो आप 4 से 5 डाल सकते हैं। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरा। तो जीरा हमें 1/4 चम्मच डालना है, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कलौंजी, जिसको मगरैली बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलना। और इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं डालना है। अब इसको हम कवर करके बिल्कुल अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे, क्योंकि आलू में खुद का पानी होता है, प्याज में भी खुद का पानी होता है, तो पीसने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपको पानी और नमक का इस्तेमाल नहीं करना है अभी। तो चलिए इसको पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। फ्रेंड, यहाँ पे देखिए मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है, पीसने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। ये देखिए इस तरीके से बन गया है पेस्ट हमारा। अगर आप पानी डालते तो बहुत ज्यादा पतला हो जाता, फिर आपको दिक्कत होती है। अब हम एक बड़े साइज का बर्तन लेंगे, उसके अंदर इसको ट्रांसफर करेंगे तारा का तारा। ये देखिए इस तरीके से हमारा पेस्ट बन गया है, बिल्कुल भी इसमें गुठलियां नहीं होनी चाहिए, एकदम स्मूथ पीसना है। अगर आपको 1-2 गुठली नजर आए तो आप उसको हाथ से निकाल भी सकते हैं या फिर छान के ले सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून तक ऑयल, जो हमारे नाश्ते को काफी ज़रा लंबे समय तक सॉफ्ट रखेगा। तो हल्का सा गर्म डालना है, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं 1/4 चम्मच डाली हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। और अब इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, थोड़ा सा इसमें डालेंगे अजवाइन। तो अजवाइन हमें ज्यादा नहीं डालनी है, बस 1 चुटकी काफी होगी। ये देखिए, और इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस डाल सकते हैं या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई भी मसाले इसके अंदर नहीं जाएंगे। अब इसको हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दिए। अब इसको हम 2 मिनट का टाइम देंगे, ताकि अच्छे से फूल जाए, सारे फ्लेवर बिल्कुल इसके अंदर समा जाए। अगर आपको ज्यादा जल्दी है तो आप इसको तुरंत बना सकते हैं 1 चुटकी बेकिंग पाउडर डाल के या खाने वाला मीठा सोडा डाल के, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं है तो इसीलिए मैं इसको 2 मिनट का रेस्ट दूंगी और 2 मिनट के बाद इसे चेक करूंगी। तो फ्रेंड, 2 मिनट हो चुका है, चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए सारे फ्लेवर बिल्कुल इसके अंदर समा गए हैं। अब इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, आइए आपको बताते हैं। हर किचन में मौजूद हम इसमें डालेंगे गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। इसको मैंने अच्छे से छान के लिया और आपको भी छान के लेना है। वेट नहीं, मुश्किल से 50 ग्राम है। नाप में एक कटोरी या कप भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप लिया, कटोरी से भी इसे नाप सकते हैं। और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच चावल का आटा।
अगर आपको चावल के आटे की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, 2 छोटा चम्मच जाएगा। अगर आपका बड़ा चम्मच है तो आपको सिर्फ आधा चम्मच लगेगा। और इसको डालने के बाद हम चम्मच को हटा देंगे और अब हम हाथों से काम करेंगे और इसको बिल्कुल अच्छे से मिलाते हुए इसका आटा लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जो हमारा पेस्ट था आलू से, वही से ये बिल्कुल अच्छे से बाइंड हो जाएगा। अगर आपको लगे कि ये हल्का सा नहीं बाइंड हो रहा तो आप थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन पानी का इस्तेमाल मत करना। तो ये देखिए, अगर आपने मेरे मेजरमेंट के हिसाब से इस रेसिपी को फॉलो किया तो बिल्कुल भी आपका कम नहीं पड़ेगा। ये देखिए, इस तरीके से हो गया है। तो यहाँ पे हमने आटे को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखा है, इसीलिए हमने एक आलू का इस्तेमाल किया था। अगर आप आधा आलू डालेंगे तो आटा थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, और अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो आप इस रेसिपी को बना नहीं पाएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारा डो रेडी हो चुका है। अब इसको हम 2 मिनट का टाइम देंगे ताकि ये फूल जाए, और 2 मिनट के बाद इसे हम बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए, 2 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड, 2 मिनट हो चुके हैं, चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको हम 10 से 15 सेकेंड अच्छे से मस लेंगे ताकि ये थोड़ा सा चिकना हो जाए और जो इसमें एयर है वो निकल जाए। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से 10 से 15 सेकंड मसल लिया है। कूदने का कोई भी झंझट नहीं, क्योंकि आटे को हमने रेस्ट दिया था तो ये अच्छे से फूल जाता है। अपने हाथों पे हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, क्योंकि इसके अंदर आलू है तो थोड़ा सा ये चिपचिपा हो जाता है, तो आप ऑयल लगा लेंगे तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। अब इस तरीके से हमें लेना है और नींबू के आकार से भी छोटे छोटे गोले तैयार करने हैं। ये देखिए, इस तरीके से। तो सबसे पहले हम गोले बना लेंगे, फिर इसको शेप देंगे, और आप जो चाहे उस तरीके से बना सकते हैं, उसको वो शेप दे सकते हैं जो आपको पसंद है। तो मैं कैसे दूंगी आइए आपको बताते हैं। तो पहले इसको बना लेते हैं। पर देखिए, इस तरह से बना लिया। अब एक ले लेंगे और इसको हम इस तरीके से हथेली पे रख के फ्लैट कर देंगे। ये देखिए, गोल सा, क्यूट सा। और यहाँ पे हमने एक बोतल ली है, और आप चाहे तो कोई भी चीज ले सकते हैं। और इस तरह से हम इसको हल्का सा प्रेशर देके निकाल लेंगे। ये देखिए, कितना सुंदर सा डिजाइन इसके अंदर पड़ गया है। चलिए दूसरा भी बना के दिखाते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से लेना है और अच्छे से बोतल को बीच में रख के इस तरह से हटा देना है। ये देखिए, कितना सुंदर सा डिजाइन पड़ गया है। और इसी तरीके से हम सारा बना लेंगे। तो चलिए बना लेते हैं फटाफट। देखिए, इस तरह से मैंने इतने बना लिए हैं, बाकी मैं बाद में बनाऊंगी। आप इस तरह से बना के इसे हवा भर डिब्बे में भर के रख सकते हैं। आप इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, सलो फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे 1 चम्मच तेल में बनाऊंगी। तो कैसे बनाऊंगी चलिए बताते हैं। चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड, आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए, एक पैन लिया है, उसमें मैंने 3 से 4 गिलास पानी रखा है, बड़ी वाली। अगर आपकी छोटी है तो आप 6 से 7 गिलास रख देना। पानी को बिल्कुल अच्छे से बॉईल कर लिया है। जब पानी हमारा बॉईल हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तक ऑयल। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन डालना जरूरी है, इससे हमारा जो रेसिपी है बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं आपस में। अब इसको हम क्या करेंगे, जब बॉईल हो जाएगा तब इसके अंदर डाल देंगे। तो थोड़ा थोड़ा दूरी पे डालेंगे ताकि आपस में चिपके ना, और जब ये कुक हो जाएंगे तब आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे और आलू से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो आप चाहे तो बॉयल आलू भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कच्चा डाला है, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, क्योंकि ये इसमें बॉयल ही हो जाएगा, तो बॉयल करने का झंझट क्यों करना। तो ये देखिए, इस तरीके से डाल दिया है। अब इसको बिना कवर किए हम 2 मिनट तक पकने देंगे, और 2 मिनट के बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो चलिए 2 मिनट पका लेते हैं। तो फ्रेंड, 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से पक गया है। पानी का कलर भी बता रहा है कि ये कितने अच्छे से कुक हो गया है। अब इसको हम फटाफट क्या करेंगे, इस तरीके से छन्ने में निकाल लेंगे और हल्का सा ठंडा करेंगे। तो यहाँ पे ये जो पानी है इसको आप फेंकना मत, आप इससे आटा लगा सकते हैं, उससे बहुत ही अच्छा सा आटा आपका सॉफ्ट रेडी हो जाएगा, रोटी वाला। या फिर आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, आप इसको इसी रेसिपी में यूज कर सकते हैं, कैसे मैं आपको बताऊंगी, तो इसको वेस्ट मत करना। तो ये देखिए, इस तरीके से निकाल लिया है, और अब इसको हम हल्का सा ठंडा करने के बाद आपसे मिलते हैं। बहुत ज्यादा गर्म नहीं इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड, आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए, एक पैन को अच्छे से गर्म कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तक ऑयल। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना है। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच जीरा, और जीरे को हम 10 से 15 सेकंड चटकने देंगे। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता, जिसको मीठी नींबू बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये हम 5 से 6 डाल लें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पे हरा धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 से 5 लहसुन की कलियां और 1 इंच के अदरक को इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। आप चाहे तो इसका पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से कट करके डालेंगे तो बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा। अब इसको हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चा पर निकल जाए। तो यहाँ पे हमें इसको अच्छे से भूनना है। ये देखिए, अच्छे से भून गया है। तब इसके बाद हम इसमें डालेंगे क्या, मीडियम साइज की प्याज, जिसको हमने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। आइए आपको दिखा देते हैं। ये देखिए,
अगर आप प्याज नहीं खाते तो प्याज को हटा सकते हैं। तो आप प्याज को हमें बहुत ज़्यादा काला करने की जरूरत नहीं है, हल्का सा लाइट सा पिंक कलर आना चाहिए, इसलिए हम प्याज को कंटिन्यू चलाते हुए 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए प्याज हमारी अच्छे से बन गई है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे ग्रेट की हुई गाजर। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक मीडियम साइज की गाजर लिया है, जिसको मैंने इस तरीके से बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करके लिया है। आप चाहे तो इसको छोटे छोटे पीस करके भी ले सकते हैं, लेकिन ग्रेट करके लेंगे तो बहुत ही जल्दी कुक भी हो जाएगी और अच्छा सा लुक भी आएगा। तो यहाँ पे 10 से 15 सेकंड इसको भून लिया है, काला बिल्कुल भी नहीं करना है गाजर को भी। और फिर इसके बाद हमने एक मीडियम साइज की शिमला मिर्च को इस तरह से बारीक बारीक कट करके लिया है। तो यहाँ पे अगर आपके पास शिमला मिर्च ना हो तो आप पत्ता गोभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह पे कोई और वेजिटेबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से हमने इसको सारी चीज़ों को भून लिया है। तब इसके बाद इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून का काश्मीरी लाल मिर्च, जो बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, चौथाई चम्मच या नमक। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे नींबू का रस, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपके पास नींबू ना हो तो आप इसकी जगह पे चाट मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ये बीज चला गया, इसको हम निकाल लेंगे। तो इसको भी हम 10 से 15 सेकंड वापस से भूनेंगे। ये देखिए अच्छे से भून लिया है। और अब इसके बाद क्या जाएगा आइए आपको बताते हैं। तो हम डालेंगे एक चम्मच तक केचप, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच तक ग्रीन सॉस यानी ग्रीन चिली। अगर आपको इसकी भी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। और इसको डाल के हम इसको वापस से अच्छे से भून लेंगे। तो इसको डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है ये सारी चीज़ें, तो मैंने ऐड की है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको हटा भी सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हो गया है। अब ये जो पानी हमने बचा के रखा था, यहाँ पे हम एक कप पानी के अंदर ऐड कर देंगे उसका, और इसको अच्छे से मिक्स करके बिल्कुल बढ़िया तरीके से गलने तक पकाएंगे। तो यहाँ पे ख्याल ये रखना है कि हमें इसको कवर नहीं करना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है सब्जियों को, तो इसीलिए हम इसको खुला ही 2 मिनट तक पकाएंगे, ताकि ये हल्का सा ड्राई हो जाए, बहुत ज़्यादा पानी ना रहे इसके अंदर। तो चलिए इसको 2 मिनट पका लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए, ये देखिए इस तरीके से ड्राई होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया। अब इसके अंदर हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे एक चुटकी तक गर्म मसाला, जो मेरा होम मेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। और इसको बिल्कुल अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना ज़्यादा सुंदर सा लुक आ रहा है। और गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, और मीडियम फ्लेम पे हमें इसको अच्छे से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट तक पकाना है, ताकि जो फ्लेवर है बिल्कुल इसके अंदर समा जाए। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी है, और आपका जब भी मन हो आप इसे तैयार कर सकते हैं। किचन की बेसिक चीज़ों से बनती है। तो ये देखिए कितने अच्छे से मैंने कोटिंग कर दी है। अब गैस के फ्लेम को हम हाई कर देंगे, और हाई फ्लेम पर हम इसको 10 सेकेंड अच्छे से मिक्स करते हुए वापस से पकाएंगे। ये देखिए कितना सुंदर सा लुक आ रहा है। और आप चाहे तो इसके अंदर हरा धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें कड़ी पत्ता डाला है, तो इसीलिए मैं हरा धनिया नहीं डालूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कड़ी का जो पत्ता होता है उसका जो फ्लेवर होता है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आप चाहे तो इसमें हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, या फिर पुदीना भी डाल सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से इसके ऊपर कोटिंग हो चुकी है। आप चलिए इसको गर्मा गर्म सर्व करते हैं, देखिए टेस्ट में कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा नाश्ता, देख लीजिए इसको खा लीजिए कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। जितना ज़्यादा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में से ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत ही कम तेल का है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ये देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। और आप चाहे तो इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, या फिर चटनी के साथ खा सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी बच्चों के टिफिन बॉक्स और पति के लंच बॉक्स में भी सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड कैसी लगी आपको हमारी मज़ेदार सी रेसिपी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है, और दूसरी बात कम चीज़ों से बनी है, और तीसरी बात आप इसे जब खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो फ्रेंड अगर आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले, और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ हम बहुत ही जल्दी आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप इस रेसिपी को बनाइए, एंजॉय कीजिए, और कमेंट के जरिए हमें बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और आप ऐसी रेसिपी और भी देखना चाहते हैं ये भी लिखना मत भूलना। तो अगर आप चटनी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ इंजॉय करने। आप भी बनाइए, खाइए, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर। तो मक्खियों ने काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रखा है, अगर मक्खी उगाने का कोई तरीका बताओ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।